हेलो एवरीवन, दिस इज अमित अमित शर्मा। कंप्यूटर नॉलेज में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये डीपीयू के बारे में। ये डीपीयू क्या है? डीपीयू का अलग अलग फुल फॉर्म आप लोगों ने सुना होगा, पर यहाँ पे इसका कुछ अलग मीनिंग है। इसका यहाँ पे इसका मीनिंग है डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। आज का टॉपिक होने वाला है डीपीयू क्या है, डीपीयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्यों जरूरी है, ये जो डीपीयू है ये सीपीयू और जीपीयू से क्या डिफरेंस है इस डीपीयू में। ओके, ये डीपीयू एक न्यू क्लास ऑफ प्रोग्रामेबल प्रोसेसर है, जस्ट लाइक सीपीयू एंड जीपीयू। ये नया क्लास का प्रोग्रामेबल प्रोसेसर है। सीपीयू आप लोग सब जानते होंगे, कुछ लोग जीपीयू भी जानते होंगे, जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और जो लोग एडिटिंग करते होंगे या गेमिंग खेलते होंगे उनको पता होगा जीपीयू क्या करता है। जीपीयू का काम ही है रियल टाइम ग्राफिक्स प्रोवाइड करना। थोड़ा डिटेल में जानते हैं, डीपीयू जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि ये डेटा प्रोसेसिंग क्या है। हम दो नंबर को अगर ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो नंबर टाइप करते हैं, ऐड का बटन क्लिक करते हैं और हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है। बट हम जब दो इनपुट टाइप करते हैं तो उसके बीच भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता होगा, राइट? सेम जैसे हम कुछ इनपुट डालते हैं फर्स्ट सेकेंड, हम जैसे कि ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या है, हमारा जो इनपुट मैंने दिया कुछ डेटा प्रोसेस हुआ, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, राइट? जस्ट लाइक दैट। ओके, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई। इसी में से हम कुछ दो इनपुट डालते हैं 23 एंड 22, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया प्लस हमारा ये क्या डेटा को प्रोसेस किया। आफ्टर दैट हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ला के दिया 43। मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं तो उसे ऐसा ही आता है, तो इसी को बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग, राइट? अभी के टाइम में बहुत सारा ऑटोमेटिक गाड़ी आने लगी है, ऑटोमेटिक बहुत सारी मशीनें आने लगी हैं, तो इसकी जरूरत पड़ गई। क्या जरूरत पड़ गई, जैसे कि अभी आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, जब ये रोड पे चलती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना सारा डेटा ये जनरेट करती होगी सेकेंड मिनट में एंड पर आवर। जैसे कि आप, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये दो पिक्चर्स है हमारे पास, एक ये पिक्चर आप देख सकते हैं, अलग अलग इसमें अलग अलग सेंसर्स लगे होंगे, डिवाइस लगे होंगे जो क्या करता है हर एक चीज पे उसको कब कहाँ परफॉर्म करता है, ये कौन डिसाइड करता है, जो हम डेटा या प्रोग्रामिंग के थ्रू इसमें इंटर करते हैं। और जब ये परफॉर्म करता होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ डेटा भी देता होगा। ओके, रियल टाइम डेटा, रियल टाइम ग्राफिक्स प्रोवाइड करवाता है। तो ये डेटा जनरेट होता है, इमेजिन कर सकते हो कि आप एक मिनट या एक घंटा में कितना सारा डेटा जनरेट करता हो। ये कुछ एक वेबसाइट है, आप जाके चेक कर सकते हो, और अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग एजेंशन है। तो इस वेबसाइट का एजेंशन है कि बराबर क्या करता है, 80 GB डेटा ये जनरेट करता है, जो कि 500 HD मूवी के बराबर है। कुछ ऐसे भी हैं कि एक दो मिनट में, अभी जितनी ज़्यादा रोड पर गाड़ियाँ चलेंगी उतना ज़्यादा डेटा जनरेट हो, एक मिनट दो मिनट में 1 TB 2 TB 5 TB डेटा जनरेट होगा, तो डेटा को प्रोसेस करना कितना मुश्किल होगा इमेजिन कर सकते हैं। यही काम को आसान करने के लिए डीपीयू आया है। डीपीयू क्या करता है, इस काम को आसान कर देता है और आपका जो भी डेटा है वो कम से कम समय में उस डेटा को प्रोसेस कर देता है सही जगह पर। ओके, क्या डिफरेंस है, सीपीयू क्या है आपको पता ही है। सीपीयू क्या है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, जीपीयू क्या है, जो लोग गेम खेलते हैं, एडिटिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं उनको पता हो कि जीपीयू क्या है, जीपीयू का क्या काम है, क्योंकि जीपीयू आपको रियल टाइम ग्राफिक्स प्रोवाइड करवाता है। अभी के टाइम में ये क्या क्या है, कंप्यूटर के क्षेत्र में ये सेंट्रल रोल ले चुका है। ओके, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डीप लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बहुत सारे अलग अलग हैं जहाँ पे हमें जीपीयू की जरूरत पड़ती है। बिना जीपीयू हमारा कंप्यूटर शायद काम ही नहीं कर पाए इसकी वजह से। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि डीपीयू का क्यों जरूरी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मूवी या कुछ फाइल ट्रांसफर करना है जो कि बड़ा फाइल है कंप्यूटर से मेमोरी कार्ड में, तो इमेजिन कर सकते हो कि अगर नॉर्मल कंप्यूटर हो, अगर उसमें डीपीयू नहीं हो तो कितना टाइम लगेगा। वही अगर डीपीयू है हमारे सिस्टम में तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ मिनट में हमारा क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर कर देगा एक डिवाइस दो डिवाइस। अगर आपको डीपीयू के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो हम क्या, ये एनवीडिया का प्रोडक्ट है, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेक कर सकते हैं। ओके,
ये देखें, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स दिए, जीपीयू है क्या, डीपीयू क्या है, सीपीयू क्या है, डीपीयू क्या डिफरेंस है, आने वाले टाइम में क्या क्या परफॉर्मेंस होने वाला है, अलग अलग, ठीक है। ये एनवीडिया का ही प्रोडक्ट है, वो मैं इसके क्या करता हूँ लिंक डाल दूंगा, आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड है तो जाके चेक कर सकते हैं। ओके भाई, उम्मीद करता हूँ कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोग समझ गए होंगे।